प्रोजी सुंदर रेड्डी, ये 2014 से लेके अब तक 2023 और इस बार 2024 में भी ये इनका जन्म जीवन परिचय राइट करने के लिए आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का। प्रोजी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था, किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। सन 1943 ईस्वी में आप आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे हैं। ये अपने ही निर्देशन में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं तथा तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य कराए। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक पुस्तक में तो आपकी प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है वह एक प्रशंसनीय कार्य है। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हुआ था। जो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, इनका निधन 2005 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, तो हम पढ़ेंगे कृतियां के बारे में इनके। साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु जिसमें आते हैं एक तुलनात्मक अध्ययन, भारत, चौथा है भारत की भाषाएं एवं और उनका साहित्य, पांचवा है वैचारिकी शोध और बोध, छठवा है तेलुगु दारुल जो है तेलुगु के नाम से जानते हैं, सातवां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ आदि हैं। तो ये रहे आपके प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय।